लगी रुक मन में और जीवन में व्यर्थ हो Thank you.
देवी के मंदिर में पूजा अर्चना करती है, कहती है हे माँ अगर हमारा विवाह हो तो कन्हैया के साथ में अन्यथा किसी और की दुल्हन बनकर के नहीं जाऊंगी। आज महाराज उधर धीरे धीरे रुक्मिणी जब और बड़ी हुई, रुक्मिणी के माँ ने देखा कि पुत्री शादी के योग्य हो गई है, तो एक दिन महाराज भीष्मक को बुलवाया है, एक बात कही है, अरे महाराज आपको कोई चिंता नहीं है, घर में पुत्री है, शादी के योग्य हो गई है, अब ऐसा करिए कि विवाह कर दीजिए। बोले ठीक है, आज ही हम दरबार में जाएंगे और एक नहीं सभी लोगों से सलाह मिलाएंगे कि हमारी पुत्री रुक्मिणी का विवाह जो है कहां पर किया जाए। तो इधर भीष्मक पहुंचे हैं, सभी लोगों से कहा है कि देखो आज का जो भी कार्य है दरबार का वो सब बंद रहेगा, हम आज आप लोगों से ही फैसला करवाएंगे कि हमारी पुत्री रुक्मिणी का विवाह कहाँ पर किया जाए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारी पुत्री जो है वो कितनी सुंदर है और जितनी सुंदर हमारी कन्या है उतना ही सुंदर पर भी होना अत्यावश्यक है। तो महाराज जब एक किसी का नाम बताता है तो दूसरा उसके अवगुण बताने में लग जाता है। एक खड़ा हो गया, बोले महाराज अरे आप नहीं जानते हो, वैसे रुक्मिणी का विवाह जो धर्मराज हैं उनके साथ में कर दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बोले वो राजा तो जरूर हैं लेकिन हमारी रुक्मिणी के अनुकूल नहीं है, उनके साथ में शादी नहीं हो सकती है, कोई और बताओ। बोले तो दुर्योधन जो है उनके साथ में विवाह कर दीजिए। बोले दुर्योधन राजा जरूर है लेकिन वो घमंडी है, उनके भी साथ में हम विवाह नहीं कर सकते। तीसरा खड़ा हो गया, बोले महाराज अगर करना चाहते हो तो आप नहीं जानते हो जो भगवान कन्हैया द्वारिकाधीश है ना, उनके साथ में आप विवाह कर दीजिए बहुत अच्छा रहेगा। बोले ये तो आपने हमारे मन की बात छीन ली है, अरे यही तो हम चाहते हैं कि हमारी रुक्मिणी का विवाह कन्हैया के साथ में हो जाए, क्योंकि उनके आने से हमारा घर आंगन भी पवित्र हो जाएगा, हमारे जीवन में चार चांद लग जाएंगे। बड़े प्रसन्न हुए हैं ये बात सुन करके। लेकिन भीष्मक के जो बड़े पुत्र थे बोले क्या कह रहे हो आप, किसका नाम सुनकर के इतने प्रसन्न नजर आ रहे हो, अरे आप नहीं जानते कन्हैया, कन्हैया के साथ में हम विवाह करेंगे, अरे उसके घर में तो रोटियां भी नहीं है, चुरा चुरा के माखन खाता है, और उसके बारे में तुम्हें कुछ मालूम है, तुम नहीं जानते हो। सुनो
महाराज।